हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशाक ग्रैंड फैमिली कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की भुर्जी इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए फ्रेंड्स यहां पर हमने आठ गाजर को अच्छे से पानी से धुल लिया हुआ है अब हम गाजर को छील लेते हैं और छील कर हम यहाँ पर गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं गाजर को हमें एकदम महीन कद्दूकस करना है इसलिए हमने यहाँ पर छोटे रोटी वाला कद्दूक यूज किया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया हुआ है और देखिए गाजर कद्दूकस होकर तैयार हो गई है अब यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च को एकदम महीन महीन टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है हरी मिर्च को ज़्यादा बड़ा बड़ा कट नहीं करेंगे और फ्रेंड्स जब हम इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये रेसिपी खास तौर पर बच्चों के लिए है बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक टुकड़ा अदरक को कद्दूकस कर लिया हुआ है अदरक को पहले हमने छील लिया हुआ था फिर कद्दूकस किया हुआ है अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ऑयल डालते हैं इसके बाद हम अदरक हरी मिर्च हींग जीरा को डाल देते हैं हम इसको अदरक को अच्छे से फ्राई करेंगे इसके बाद हम कद्दूकस की हुई गाजर को ऑयल में डाल देते हैं गाजर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे इसमें जो पानी रिलीज होता है वो पानी अच्छे से सूख जाए फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से दो मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे अब यहाँ पर हमने एक चम्मच बटर को भी डाल दिया हुआ है बटर डालने से भुर्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक चम्मच पाव भाजी मसाला एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया हुआ है अब हम स्वाद अनुसार यहाँ नमक भी डाल देते हैं नमक को हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी रह गई है पकने के बाद और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर गाजर की भुर्जी बनकर तैयार हो गई है कैसा लगा आपको मेरा वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में